इस दौरान जारू गाड़ी सड़क से कच्चे में उतार चुका था। गाड़ी के कच्चे में उतरते ही इस पर एक बार फिर फायर दागे गए। माज ने जवाबी फायरिंग करके अपने चुकन्ने होने का पैगाम दिया। दोनों जानिब की गोलियों ने ही किसी का कुछ नहीं बिगाड़ा और दरमियानी फासला बढ़ने लगा। कहीं खबीस पीछे चले आए। कच्चे रास्ते पर गाड़ी मुसलसल अचकोले ले रही थी। इसे पूरी मुहारत से संभालते हुए जारू ने अंदेशी का इजहार किया, नहीं आएंगे अव्वल, इनकी गाड़ियाँ इस काबिल नहीं रही हैं। दोम अभी ने हमसे ज़्यादा अपने जख्मी साथियों की फिक्र पड़ी होगी। माज ने इसे तसल्ली दी तो वो सर को तफहीमी जुम्बश देकर इत्मीनान से गाड़ी चलाने लगा। अब आप भी सीधी होकर बैठ सकती हैं। वो सजल से मुखातिब हुआ तो वो झिझकती हुई सीधी हो बैठी। आजम को अलबत्ता अब भी इसने यूं सीने से भींचा हुआ था जैसे इसे दुनिया के हर खतरे से महफूज कर रही हो। आप और आजम ठीक है ना, माज ने फिक्रमंदी से पूछा। जी, इसकी तरफ से मुख्तसर जवाब आया, आई एम सॉरी, आपको तकलीफ हुई। वो सजल की कैफियत को पूरी तरह महसूस कर रहा था। वो अपनी जात से ज़्यादा आजम के लिए फिक्रमंद थी। हिचकी उसे रोता बच्चा अब भी इस चीज़ के ऊपर आ गया था और बतौर माँ वो इसके लिए दुखी थी। मुआजरत तो मुझे करनी चाहिए, मेरी बेपरवाही से आजम ने वो हरकत की और आपको एक महफूज पनागा से निकलकर अस्पताल जाना पड़ा। वो सब ना हुआ होता तो ये सब भी ना होता। इसके लहजे में शर्मिंदगी थी। प्लीज़ ऐसा मत सोचे, जो कुछ हमारे नसीब में लिखा था वही हुआ है। वो सजल को शर्मिंदा कैसे देख सकता था। मगर सजल ने जवाबन मजीद कुछ कहना चाहा। प्लीज़, इसने हाथ उठाकर इसे कुछ भी कहने से रोक दिया और गाड़ी में पड़ी पानी की छोटी सी बोतल उठाकर इसे थमाई। आजम को पानी पिलाएं और इसे बहलाने की कोशिश करें, बच्चा बुरी तरह डर गया है। जी, वो खामोशी से इसके हदायत पर अमल करने लगी। हम किस तरफ जा रहे हैं? अब वो ड्राइव करते हुए जारों की तरफ मुतवज्जो हुआ। कुछ तय नहीं, अभी तो इसी कोशिश में हूँ कि सड़क से जितनी दूर निकल सकते निकल जाए। आगे की दूसरी सड़क या बेहतर रास्ता मिल गया तो समझ का तयन भी कर लेंगे। पीछे सब हमारी राह देख रहे होंगे, इसे अपने साथियों की भी फिक्र थी। अब तो इन्हें खबरों से ही सूरत हाल का अंदाज़ा होगा, रबते का कोई जरिया तो है नहीं हमारे पास। जारू ने अपनी राय दी तो वो इसे इतफाक़ करने के सिवा कुछ ना कर सका। सजल आई ही खाली हाथ थी जबकि इसकी अपनी जेब में वॉलेट के सिवा कुछ नहीं था। मोबाइल फ़ोन वो सारे टेबल पर ही छोड़ आया था। मेरे ख्याल में हम इस गाड़ी को ज़्यादा देर इस्तेमाल नहीं कर सकेंगे। अब तक पुलिस के पास इसकी सारी तफसील पहुँच गई होगी और हो सकता है उन्होंने इसे हर तरफ फैला भी दिया हो। कोई एक फिक्र नहीं थी जिसे दामनगीर थी। यहाँ इस वीराने में तो कोई मसला नहीं, किसी सड़क या आबादी के करीब पहुँच कर छोड़ देंगे इसे, जारू ने बेपरवाही से जवाब दिया। गाड़ी का तो नुकसान हो जाएगा ना, वैसे किसकी गाड़ी है ये? कोई नुकसान नुकसान नहीं होने वाला, एक दोस्त की गाड़ी है जिसने पहले एहतियातन गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखवा रखी है। अच्छी खासी पहुंच वाला बंदा है, किसने किसी तरह बाद में गाड़ी को पुलिस की कस्टडी से निकलवा लेगा, जरूर बेफिक्र था। क्या कहने हैं भाई तुम्हारे, मुझे तो तुम खुद कोई बड़ी पहुँची हस्ती लगते हो, माज ने इसे घूरा। ऐसी कोई बात नहीं, बस कुछ दोस्त और हमदर्द हैं यहाँ जो समझते हैं कि हमारे साथ ज्यादती हो रही है और हमें अपने साथ होने वाले इस ज्यादती के खिलाफ जद्दोजहद करने का पूरा हक हासिल है, इसलिए वो हमारा साथ देते हैं। जारू ने अपनी सफाई देते हुए स्ट्रेन घुमाया। गाड़ी दाएं तरफ मुड़ी और फिर चंद गज चलकर हिचके लेते हुए एक झटके से रुक गई। ओ शिट यार, फ्यूल ख़त्म हो गया। ओह नो, अब हम क्या करेंगे? माज इस बदखबरी को सुनकर कराहा। पैदल मार्च ही वाहिद और बेहतरीन ऑप्शन है, जारू ने कंधे झुकाते हुए जवाब दिया। आप पैदल चल सकेगी सजल? माज ने पीछे मुड़कर परेशानी से सजल से पूछा। जी जरूर, वो खुद ही दरवाज़ा खोलकर नीचे उतर आई। आप थोड़ी देर झाड़ी के साय में बैठ जाएं, मैं और माज इतने में एक काम निपटाते हैं, जारू ने अदब से सजल से कहा और बॉक्स में कुछ टिश्यू पेपर निकालकर माज के हवाले किए। ज़्यादा इमरजेंसी नहीं, इसलिए बेहतर है कि हम मुमकिन हद तक अपने फिंगर प्रिंट्स मिटाते हुए चलें। बिल्कुल, माज ने इसके ख्याल से इतफाक किया। 8-10 मिनट में दोनों मिलकर गाड़ी को अच्छी तरह अंदर और बाहर से साफ कर चुके थे। जिस नशीस के नीचे से बड़ी गन निकाली गई थी वहीं से दो पिस्टल निकालकर जारू ने एक खुद रखा और दूसरे इसके हवाले किया। बड़ी गन को छुपाकर साथ नहीं ले जा सकते थे, इसलिए इसे एक छोटे से गड़े में डालकर गड़े को मिट्टी और पत्थरों वगैरह से भर दिया गया। इसे मेरी गोद में दे दे, बच्चा गोद में लेकर ज़्यादा देर चलना आपके लिए मुश्किल होगा। रवानगी से कबल इसने सजल की गोद में सो जाने वाले आजम को इससे ले लिया। कुछ अंदाज़ा नहीं था कि कितनी देर पैदल मुसाफर तय करना है और इसके हिसाब से नाज़ो नौमे पली सजल के लिए ये बहुत मुश्किल काम साबित होता। अद्धा सही पहले डिस्टर्ब थे, इस सूरत हाल में मजीद परेशान हो जाएंगे। साथ चलते हुए सजल ने पहली बार परेशानी का इजहार किया। आप फिक्र मत करें, आलम समझदार और बाहौसला आदमी है, खुद को संभाल लेगा। वैसे भी इसको इतना भरोसा तो होगा कि आप मेरे साथ हैं और मैं जब तक जिंदा हूँ आप पर कोई आँच नहीं आने दूंगा। माज ने तसल्ली दी, फिर बात को मजीद आगे बढ़ाते हुए बोला। इन लोगों के साथ सोने उसका साथी जैकी मौजूद है, वो बहुत तजर्बाकार और निडर लोग हैं,
वो इस सारी सूरत हाल को बहुत अच्छी तरह हैंडल कर लेंगे। अल्लाह करे हम सब इस मुश्किल से बआसानी निकल जाए। सजल ने सदके दिल से दुआ की। आमीन, उबे साख्तगी से बोला। इसके बाद इनके दरमियान खामोशी छा गई। मौसम अगरचे ज़्यादा सख्त नहीं था, लेकिन वो सब भूखे प्यासे घर से निकले थे और इस बात को भी अच्छा खासा वक्त गुजर चुका था, इसलिए आहिस्ता आहिस्ता इनकी फितरी ज़रूरियात ने अपना एहसास दिलाना शुरू कर दिया था। खुसूसन मुसलसल पैदल चलने की वजह से प्यास शिद्दत इख्तियार करने लगी थी। गनीमत था कि आज़म अभी तक सोया हुआ था, वो जाग जाता तो इसके पास इसे देने के लिए पानी की छोटी सी बोतल के सिवा कुछ भी मौजूद नहीं था। इतनी देर हो गई यार, हम पता नहीं किस समय निकल खड़े हुए हैं, अभी तक आबादी के कोई आसार ही दिखाई नहीं दे रहे। आज़म के जाकर भूख प्यास के रुबाइस होने का सोचकर इसे वहशत होने लगी तो अपनी रफ्तार थोड़ी से बढ़ाकर चंद कदम आगे जाते जारों से जा मिला। मेरा ख्याल है आबादी से ज़्यादा दूर नहीं, वो ऊपर उड़ते हुए जंगली कबूतर देखो, ये आम तौर पर आबादियों के आसपास ही रहते हैं ताकि खुराक आसानी से मिलती रहे। जारों ने उंगली का इशारा किया तो इसने भी इन कबूतरों को देखा और जारों की बात में वजन महसूस किया। वो अब तक जिस इलाके में चलते रहे थे वहाँ तो चंद जंगली पौधों और झाड़ियों के अलावा कुछ नहीं था। तुम्हारा अंदाज़ा ठीक, इसने जारों की तायद करना चाहिए लेकिन इसे यकदम हाथ उठाकर इसे बोलने से रोक दिया और खुद एक कान को हाथ की ओट में लेकर इस अंदाज में खड़ा हो गया जैसे कान लगाकर कुछ सुनने की कोशिश कर रहा हो। तेज से चलो, हमें जल्द से यहाँ से निकलना होगा। क्या हुआ? माज इसके लहजे पर परेशान हो गया। मुझे पुलिस की गाड़ियों के सायरन सुनाई दे रहे हैं, लगता है हमारे लिए सर्च ऑपरेशन शुरू हो गया है। इसने एक तशवीश की खबर सुनाई, इसे करीब आ पहुँचने वाले सज्जन ने भी सुन लिया। अब वो भूख और प्यास सब भूल कर पूरी रफ्तार से चलना शुरू हो चुके थे। जैसे जैसे आगे बढ़ते जा रहे थे आबादी के आसार भी नजर आने लगे थे। मोबाइल टावर, बिजली का खंभा, आसमान पर उड़ते एक अदर पतंग, सबकी सब निशानियाँ बता रही थी कि वो आबादी के करीब हैं। अभी वो बाकायदा आबादी में नहीं पहुँचे थे कि उलझे हुए बालों वाले एक आदमी पर नज़र पड़ी। मैले से कपड़ों में मलबूस वो शख्स सिगरेट के सूटे लगाता झूमता हुआ इस तरफ चला रहा था। इसने भी इन्हें देख लिया और मुँह खोलकर अपनी हैरत का इजहार किया। कौन हो जी आप लोग? अगरचे इनके अपने हुलिये भी खासे बदतर हो चुके थे और हाथ पांव धूल मिट्टी में अट गए थे, लेकिन वो लिबास वगैरह से अंदाज़ा लगा चुका था कि वो लोग कम अज़ कम इसके कबीले से तल्लुक़ नहीं रखते, इसलिए अपनी जानिब से ज़रा महज़ब अंदाज में इनसे मुखातिब हुआ था। मुसाफिर हैं, गाड़ी के साथ हादसा पेश आ गया था जिसकी वजह से वो कच्चे में उतर गई और हम मदद की तलाश में भटकते इधर आ निकले। तुम बताओ तुम कौन हो, क्या किसी करीब की आबादी से आए हो? जारों इसके सवाल का जवाब देने के साथ साथ इस पर सवालात भी दाग दिए। मैं हाशू हूँ, उधर पास ही हमारी बस्ती है, अब आओ मेरे साथ और थोड़ा आराम कर लो, फिर मैं किसी मैकेनिक वैकेनिक को ढूंढ कर लाता हूँ आपकी गाड़ी के लिए। वो पेशकश न करता तो वो जिन हालात में घिरे हुए थे खुद इससे मदद तलब करने पर मजबूर हो जाते। थैंक यू हाशू, तुम इस समय हमारे लिए फरिश्ता बनकर आए हो। जारों ने फौरन इसकी पेशकश कबूल कर ली। बस मेरे पीछे पीछे चलते आओ आप, इसने खुश दिली से बोलते हुए सिगरेट का एक ज़ोरदार सूटा लगाया। वो जिस समय से आ रहा था इसी समय पलट कर चलना शुरू हो गया। मुझे तो ये कोई नशे लग रहा है, तुमने महसूस नहीं किया इसकी आंखें सुर्ख हो रही हैं और जो सिगरेट पी रहा है इसकी बहुत गंदी सी बू है। माज ने जारों के साथ चलते हुए आगे जाते हाशू के बारे में धीमी आवाज़ में शकूक व शुबहात का इजहार किया। महसूस करने की क्या बात है, मुझे सोफी से यकीन है कि शख्स आदि नशेबाज है और यही बात हमारे हक में जाती है। जारों का इत्मीनान काबिले दीद था। ये क्या कह रहे हो? याद रखो कि हमारे साथ एक जवान खातून भी मौजूद है। हैरत और गुस्से के बावजूद इसने इस ख्याल से कि पिछाती सजल को सुनना ले बहुत हल्की आवाज़ में जारों को सरजिश की। देखो यार, पोजीशन हमारी भी मशकूक है, इस नशे की बजाय कोई शरीफ आदमी से वास्ता पड़ता तो वो इतनी आसानी से हमारी मदद के लिए तैयार ना होता। इस आदमी को थोड़ा सा लालच देकर हम आसानी से अपने ढप पर ला सकते हैं। जारों की बात कुछ कुछ समझ में आने वाली थी लेकिन माज सजल की वजह से बहुत हसास हो रहा था। तुम फिक्र मत करो, देखोगे मैं कैसे सारे मामला तय करता हूँ। जारों ने इसके शाने पर थपकी दी और कदमों की रफ्तार थोड़ी सी बढ़ाकर हाशों से जा मिला। इसी वक्त इसके शाने से लगा आज़म कसमसाकर जाग गया और जागते ही रोना शुरू कर दिया। लाए इसे मुझे दे दें, इस वक्त आपसे नहीं संभलेगा। सजल ने जल्दी से आगे बढ़कर आज़म को इसे ले लिया और बोतल में बचा हुआ पानी से पिलाने लगी। इसने दो घूंट भरकर पानी छोड़ दिया और दोबारा रोने लगा। इसे यकीनन भूख लग रही है, माज को इसके रोने की वजह समझने में देर नहीं लगी। इन लोगों को घर से निकले हुए कई घंटे गुजर चुके थे और अब तो बड़ों के पेट में भी चूहे नाचने लगे थे। ऐसे में एक छोटे से बच्चे से कितने सब्र की उम्मीद रखी जा सकती थी। सुबह का जागा था तो मैंने फीडर बनाकर दिया था, तब से अब तक बच्चे के हिसाब से तो बहुत ज़्यादा वक्त गुजर चुका है। वो तो शुक्र है कितनी देर तक सोया रहा तो शुद्ध शोर नहीं किया, वरना बहुत मुश्किल हो जाती। सजल ने मुस्तरिब लहजे में जवाब दिया। साथ साथ वो रोते हुए आज़म को थपक थपक कर बहलाने की भी कोशिश कर रही थी।
लेकिन इस सबर वाले बच्चे का सबर भी भूख के आगे हार चुका था। बस बस्ती में पहुंच जाए तो सबसे पहले इसकी भूख का ही इंतजाम करेंगे, इसने सजल को दिलासा दिया। वो लोग 2-3 मिनट मजीद चले तो कच्ची पक्की झोंपड़ी वाली बस्ती दिखाई देने लगी। बस्ती दिखाई देते ही आगे चलते जारो और हर्ष रुक गए। अभी आप लोग इधर ही रुको, मैं ज़रा अच्छी तरह देख लूँ कि आस पास कोई है तो नहीं। वो लोग करीब पहुंचे तो हाशु ने कहा और तेज कदमों से चलता हुआ आगे निकल गया। मैंने कुछ रकम देकर इसे राज़ी कर लिया है कि वो यहाँ हमारी आमद के बारे में किसी को कुछ ना बताएगा। हम कुछ देर इसके यहाँ रुककर खुद को फ्रेश करेंगे, फिर आगे का लाहे अमल तय करेंगे। जारोने ने अपनी कारगुजारी से आगाह किया। मुझे ये शख्स काबिल एतबार नहीं लग रहा, मास्को हाशु की तरफ से अब भी तहफ़ात थे, रिस्क तो लेना पड़ेगा। फिलहाल हमारे पास इसके सिवा कोई चारा नहीं है। जारो की बात भी अपनी जगह ठीक थी। माज ने खामोशी इख्तियार कर ली और एक नज़र सजल की गोद में मौजूद आज़म पर डाली। वो रोते रोते निढाल हो गया था और अब इसके हलक से बैठी बैठी आवाज़ें निकल रही थी। इस नन्ही सी जान के लिए खुराक का फौरी बंदोबस्त ज़रूरी था और फौरी बंदोबस्त इसी सूरत में हो सकता था कि वो हाशु पर एतबार न होते हुए भी इस पर एतबार कर लें। आओ वो देखो, हाशु हाथ के इशारे से हमें बुला रहा है। जारो ने इसके कंधे पर हाथ रखकर मुतवज्जो किया तो इसने भी दूर खड़े हाथ हिलाते हाशु की तरफ देखा। इस टाइम पर हमारी बस्ती के ज़्यादातर मर्द और औरतें अपने अपने धंधे पर निकले हुए हैं, इसलिए छोटे बच्चों के सिवा बस 2-4 मेरे जैसे ही आवारागर्दी करते या ऊँटे मर्दियाँ दिखाई देते हैं। तुम लोगों का नसीब अच्छा है कि अभी उनमें से कोई भी दिखाई नहीं दे रहा। बस पर एक नत्थु है जो बाहर चारपाई डाले भंग पीकर बेखबर सो रहा है। इसे तो मौत का फरिश्ता भी लेने आ जाए तो होश में नहीं आएगा, इसलिए आप लोग इसकी चिंता ना करना। वह इनके रहनुमाई का फरीजा अंजाम देने के साथ साथ हालात की पूरी पूरी रिपोर्टिंग भी कर रहा था। वो बस्ती अपनी नौयत की दीगर बस्तियों की तरह ही गंदी और संदी और बेतरतीब थी। चंद एक झोंपड़े ही ऐसे थे जिनकी हालत बेहतर दिखाई दे रही थी, वरना ज़्यादातर की हालत से गुरबत व अफलास टपक रही थी। और अंदाज़ा होता था कि घर के नाम पर दस्तयाब ये पनागाहें इन्हें मौसमों की शिद्दत से बचाने में कभी भी पूरी तरह कामयाब न हो पाती होंगी। रास्ते में दिखाई देने वाले बच्चों के नामुकम्मल लिबास, नंगे पाँव, बेतरतीब बाल, जिस्मों पर चिड़ी मैल की तहें और आँखों पर डेरे डाले बैठी हसरतें सब इस अन्य का इजहार कर रही थी कि वतन अजीज़ की तरह ही एटमी ताकत रखने वाले भारत जैसे बड़े मुल्क में भी लाखों लोग गुरबत की लकीर से नीचे ज़िंदगी गुजार रहे हैं। ये खाली पेट और वीरान आँखों वाले लोग हर साहिब इख्तियार और साहिब इक्तदार शख्स के लिए सवाल निशान थे, लेकिन कोई इनकी तरफ नज़र ही नहीं करता था। वहीं उन्होंने बाहर चारपाई डालकर सोए नत्थु को भी देखा। इसका मुँह नीमवा था और इसके वजूद पर भिड़कने वाली मक्खियों में से चंद इसके खुले मुँह में बआसानी अंदर बाहर हो रही थी। ये मालूम नहीं था कि खुद इस हद तक पस्ती में ले जाने में दुनिया के धक्कों का हाल था या इसकी बेअमली का। वो सब इस शख्स से नज़रें चुराते हुए हाशु के झोंपड़े में दाखिल हो गए। इसका झोंपड़ा बस्ती के इन चंद एक झोंपड़ों में से था जिनकी हालत बेहतर थी। अंदर पहुंचकर इस बेहतरी का मजीद एहसास हुआ। अगरचे अंदर कदरे फैलावा था, लेकिन इस दर्जे की गंदगी नहीं थी जिसका इन्हें अंदेशा था। साजो सामान भी काफ़ी मुनासिब था। हाशु ने इन्हें बैठने के लिए जो कुर्सी पेश की वो अगरचे पुरानी लेकिन अच्छी क्वालिटी की थी। आप लोग चाहो तो उधर गुस्ताखाने में जाकर अपना हुलिया ठीक कर लो, मैं इतने में आपके खाने पीने का कुछ बंदोबस्त करता हूँ। इसने कच्चे मेज़बान का किरदार अदा करना शुरू कर दिया, लेकिन इसके आंखों के तासुर से जाहिर था कि ये सारी खुश अखलाकी दरअसल जारो के दिए नोटों की रहीन मन्नत थी। अगर दूध है तो पहले बच्चे के लिए ला दो, हम बड़े बाद में आराम से खा पी सकते हैं। माँ से सब्र नहीं हुआ तो जल्दी से बोला, क्यों नहीं जी अभी लाता हूँ। वो झट से कमरे से बाहर निकला। माँ भी एहतियातन इसके पीछे था। वहाँ कोई अलग से बावर्ची खाना मौजूद नहीं था। बस सेन में एक जगह कुछ तख्ते ठोक कर मिसालों के डब्बे वगैरह रखने के लिए इंतजाम किया गया था और मट्टी लेप कर चूल्हा बनाया गया था। यहाँ भी सफाई का काबिल कबूल इंतजाम था और बर्तन भी मुनासिब थे। हाशु ने एक टेटर पैक खोलकर इसमें से दूध निकालना शुरू किया तो माज की आँखें खुली की खुली रह गई। वो इम्पोर्टेड क्वालिटी का दूध था। तुम यहाँ अकेले रहते हो? अभी तक वहाँ कोई दूसरा फर्द दिखाई नहीं दिया था, इसलिए इसे सवाल करने का मौका मिल गया था। लेकिन घर की हालत से इसे यकीन था कि ये हाशु जैसे गंदे संदे शख्स के बजाय किसी और की कारगुजारी है। शायद इसकी बीवी थी इस सब के पीछे। अकेला नहीं रहता जी, मेरा यार है ना अनूप, वो आ जाता है हर रात, फिर खूब महफिल जमती है, हम एक दूसरे को दिल का हाल सुनाते हैं। इसने बहुत खुशी और जोर से इतला दी। वो अच्छा, मैं समझो तुम्हारी बीवी होगी जिसने सब संभाला हुआ है। अनूप को बीवी समझो जी। दूध के कपड़ों डेलते हुए हाशु अजीब से अंदाज में हंसा, फिर अपनी बात का असर जाहिर करने के लिए बोला, बड़ा सुघर लड़का है अनूप, क्या सब कुछ इसने संभाला हुआ है। अभी थोड़ी देर में काम से आता होगा, मैं आपसे मिलवाता हूँ। कहाँ काम करता है वो? इसने हाशु के हाथ से दूध का कप लेते हुए सरसरी लहजे में पूछा। मित्रा साहिब के बंगले पर। हाशु के जवाब ने खुद ब खुद बहुत से सवालात के जवाब दे दिए।
यकीनन अनूप के मालिकान मेहरबान लोग थे और अपना पुराना साजो सामान इसे दान कर देते थे, इसलिए इस झोपड़े में निस्बतन खुशहाली की झलक थी। वो दूध से भरा कप लिए अंदर कमरे में चला गया। कप सजल को थमाया तो इसकी गोद में मौजूद आजम शोर मचाता कप कर लपकने लगा। सजल ने वो मुश्किल से संभाल कर कप होंठों से लगाया। भूखा बच्चा बेताबी से दूध पीने लगा। आम हालात में फीडर से दूध पीता था, कुछ इसकी नातजर्बाकारी और कुछ बेताबी की वजह से दूध पीते हुए बिगड़ रहा था। माज ने सजल के कपड़े ख़राब होते देखकर अपनी जेब से रुमाल निकाल कर इसे दिया। बड़ा प्यारा बच्चा है जी आपका, लगता है बड़ी देर से भूखा है, आप इसे ये केले भी खिला देना। हाशु प्लास्टिक की एक टोकरी में कुछ केले रखे अंदर आया और टोकरी माज के हाथ में थमाते हुए बोला तो वो इसके अल्फाज पर खिसियाना हो गया और बेतहाशा ही सजल को देखा। वो खुद को मुकम्मल अनजान जाहिर करती आजम के साथ मसरूफ थी। मैंने मुँह धो लिया है, तुम भी जाकर अपने हुलिया ठीक कर लो, फिर भाभी की बारी आएगी। जारों ने आंख का कोना दबाकर इसे किसी भी तरदीद से रोका तो वो बात को समझकर सर हिलाता हुआ बाहर निकल गया। हाशु पर यह जाहिर होने की निस्बत के सजल का इन दोनों से किसी से कोई रिश्ता नहीं है यह तासुर देना ज्यादा मुनासिब था कि वो उसकी बीवी है। बारी बारी वो और सजल गुस्लखाने में जाकर अपनी हालत बेहतर कराए। हाशु इस दौरान चाय तैयार करके इनके लिए रस्क और बिस्किट ले आया था। मुझे बस चाय बनानी आती है, इसलिए खाने को ये कुछ दे सकता था, अनूप आ जाए तो आप लोगों के लिए खाना भी बना देगा। हाशु ने मौजूद खाना लहजे में कहा तो इसके अंदाज में मसनूईपन था जिसकी इनमें से किसी ने परवाह नहीं की और जारू खुशदिली से बोला, ये भी बहुत है यार, असल चीज़ है चाय, ये मिलगी तो किसी और चीज़ की परवाह नहीं। आप लोग खा पी कर आराम कर लो, मैं इतनी देर में कोई मैकेनिक ढूंढ कर लाता हूँ। जारों के दिव्य नोटों का कमाल था कि उनकी खिदमत के लिए बेचा जा रहा था। रहने दो यार, हम सोच रहे कि कोई टैक्सी वगैरह लेकर यहाँ से निकल जाएँ, गाड़ी के लिए बाद में खुद मैकेनिक लेकर आ जाएंगे। जाहिर है कि अब गाड़ी के करीब ही नहीं फटकना था और जल्द अज जल्द इस इलाके से भी निकलना था, इसलिए माज इसकी पेशकश के जवाब में बात बनाई। किसी ने लावारिस गाड़ी खड़ी देखकर कुछ उल्टा सीधा कर दिया तो फिर हाशु ने तशवीश का इजहार किया। कुछ नहीं होगा यार, और हुआ भी तो हम बर्दाश्त कर लेंगे क्योंकि हमारे साथ एक औरत और बच्चा भी मौजूद है और इनके लिए मुनासिब है कि जल्द अज जल्द ठिकाने पर पहुँच जाए। यहाँ तुम्हारे घर में तो जगह ही नहीं है कि दोनों आराम से बैठ सकें। जारू ने मसला बयान किया तो हाशु की नज़र सजल की तरफ गई। वो इन लोगों की तो पुष्ट किए चाय पी रही थी। ये बात तो आपकी ठीक है, इसे कायल होना पड़ा। इसी वक्त दरवाज़ा खुलने की आवाज़ सुनाई दी और कोई अंदर आया। लो जी अनूप आ गया। हाशु ने यूँ खुशी का इजहार किया जैसे बच्चे शाम ढले काम पर से वापस आने वाले बाप की आमद पर खुश होते हैं। कदमों की आहट के साथ एक दरमियानी कामत और छरेरे बदन का खुश शक्ल लड़का अंदर दाखिल हुआ। वो साफ सुथरा लिबास पहने हुए था, इसके कदरे लंबे बाल भी सलीके से संवारे हुए थे। उम्र के एतबार से वो हाशु से कई साल छोटा महसूस होता था। मजमू तौर पर देखा जाता तो इसमें और हाशु में कुछ ऐसा मुश्तरक नहीं था जिसे दोनों की दोस्ती की बुनियाद समझा जाता। इन लोगों को वह मौजूद पाकर वो ठिठक सा गया। आ जाओ अनूपी, बेचारे मुसीबत ज़्यादा है, इनकी गाड़ी। आगे हाशु ने इसे वही कहानी सुनाई जो जारू ने इसे सुनाई थी। ये सारी दास्तान सुनते हुए इसने इन सब पर एक तायराना नज़र डाली और जब हाशु खामोश हुआ तो संदीजा लहजे में बोला, तू ज़रा बाहर आकर मेरी बात सुन ले। हाँ हाँ चल यार, मेहमानों के खाने का भी कुछ करना है। मेरा तो तुझे पता ही है कि चाय के सिवा कुछ बना नहीं सकता, हाशु बोलते हुए इसके पीछे निकल गया। मुझे कोई गड़बड़ लग रही है, अनूप के चेहरे के तासुरात अजीब से थे। इनके बाहर निकलते ही माज ने ख्याल आ रही की जारू ने होंठों पर उंगली रखकर खामोश रहने का इशारा किया और खुद बिल्कुल साकित होकर बैठ गया तो माज समझ गया कि वो अनूप और हाशु की गुफ्तगू सुन रहा है। अनूप हाशु से कह रहा था, कुछ पता भी है कि किस मुसीबत को गले में डाल लिया है? पुलिस ढूंढती फिर रही है तुम्हारे मेहमानों को। क्या कह रहे हो यार? हाशु सुनकर बौखला गया। ठीक कह रहा हूँ, ये देखो हर तरफ इनकी फोटोज दिखा रही हैं न्यूज़ में कि ये आतंकवादी हैं। उधर अस्पताल में किसी ने पहचान लिया कि पुलिस को इन्फॉर्म किया था, लेकिन ये वहाँ से निकल भागे। बाद में इनके और पुलिस के दरमियान मुकाबला भी हुआ जिसमें ये पुलिस की गाड़ियाँ उल्टाकर भाग निकले। उधर कच्चे में पुलिस को इनकी गाड़ी खड़ी मिली है और वो आसपास के इलाके में नाका लगाए इन्हें ढूंढती फिर रही है। अनूप इसे एक एक हकीकत से आगाह कर रहा था। अरे मेरे रब्बा, अब क्या होगा? पुलिस को पता चल गया कि हमने इन आतंकवादियों को अपने पास पनाह दी हुई है तो हमें भी इनके साथ गिरफ्तार कर लेगी, फिर बाकी का सारा जीवन जेल में चक्की काटते हुए गुजारना। अनूप का लहजा कटीला था। मुझे क्या पता था इस गड़बड़ घोटाले का? मैंने कहा कि चलो थोड़ी सी सेवा के बदले अच्छी रकम मिल रही है तो हाँ कर देता हूँ, थोड़ा तेरा बोझ ही कम हो जाएगा। हाशु इसके सामने खिसियाना हो रहा था। मैंने हजार बार तुमसे कहा है कि पैसों के लिए उल्टे सीधे काम ना किया करो, जब मैं सारे खर्चे पूरे कर देता हूँ तो काहे को कष्ट उठाते हो? अनूप ने नाराजी जाहिर की। जो हुआ इसे जाने दो, ये बताओ कि करना क्या है अब? हाशु का अंदाज बनाने वाला था। पुलिस को कॉल करता हूँ और क्या, जो सच है सब बता देना।
अनूप ने अपना फैसला सुनाया और मोबाइल की स्क्रीन पर उंगली फेरी। इतनी तेजी ना दिखाओ यारो, अभी तो हमने तुम्हारी मेजबानी का पूरा लुत्फ नहीं उठाया है। जारो जो हालात की नजाकत को महसूस करते हुए तेजी से कमरे से निकलकर इनके सरों पर पहुंच चुका था। इसके हाथ से मोबाइल उचकते हुए बोला तो इसने कदर तैशीस की तरफ देखा, लेकिन जब इसके हाथ में पिस्टल नजर आया तो नर्वसा हो गया। ये गलत है, मैंने इसलिए तुम्हारी मदद नहीं की थी कि तुम हमारे ही जान लेने खड़े हो जाओ। हाशु ने हकलाते हुए एहतजाज किया। वो देख सकता था कि मास कमरे से निकल आया है और इसके हाथ में भी एक अदद पिस्टल मौजूद है। हम बिल्कुल भी तुम्हारी जान नहीं लेना चाहते, लेकिन तुम अपने हरकतों से हमें मजबूर करो तो हम क्या कर सकेंगे। हम ऐसा कुछ नहीं करेंगे, तुम बस हमें क्षमा कर दो। हाशु की हवा बिल्कुल ही खिसक चुकी थी। अलबत्ता अनूप खामोश खड़ा किना तो उसने गाँव से नदी घूर रहा था। वो उम्र में कम होने के बावजूद हाशु के मुकाबले में ज़्यादा होशियार दिखाई देता था। हम बहुत गरीब लोग हैं जी, हम पर कोई मुसीबत आ गई तो हमारी कोई मदद करने वाला भी नहीं होगा, हाशु अपनी जगह दुहाइयाँ दे रहा था। गरीब तो तुम लोग मुझे कहीं से नहीं लगते, इम्पोर्टेड दूध के डब्बे, महंगी पत्ती, फल फ्रूट सब कुछ तुम्हारे घर में है, कोई गरीब आदमी सब अफोर्ड नहीं कर सकता। इस बार माज ने गुफ्तगू में हिस्सा डाला। ये सब तो अनूप की नौकरी की वजह से है, बंगले में काम करता है ना तो कभी कभी मालिकन कुछ चीज़ दान कर देती है और कभी ये वहाँ से पार करके ले आता है। आजकल ज़्यादा मज़े इसलिए कि मालिक लोग घूमने के लिए गए हुए हैं, ये पीछे से बंगले की देखभाल के लिए जाता है, जो हाथ लगे ले आता है। हाशु ने सब उगल दिया। बहुत खूब, यानी जिस थाली में खाते हो इसी में छेद करते हो, माँ से तंज किया। तुमसे तो बेहतर हूँ, दूसरों पर गोलियाँ चलाकर इनकी जान तो नहीं लेते फिरते। पेचोताप खाते अनूप को जवाबी हमला करने का मौका मिल गया। हम कौन हैं और क्या हैं ये तुम नहीं जानते, तुम हमारे बारे में वही कह रहे हो, तुम्हारा झूठा मीडिया दिखा रहा है। इसके इल्ज़ाम पर मास का चेहरा सुर्ख पड़ गया। इन सब बेकार बातों को जाने दो, फिलहाल हमें मिस्टर अनूप से हालात की पूरी ड्रेल लेना है ताकि अपने बचाव का रास्ता निकाल सकें। जारो ने इस सारी बहस को ख़त्म किया और इन दोनों को अंदर चलने का इशारा किया। इसके हाथ में पिस्टल की मौजूदगी ने इन दोनों में से किसी को भी इनकार की जरूरत न करने दी। अंदर सजल दरवाजे पर नजरें जमाए मुंतजर बैठी थी के जबकि नन्ना आजम भरे पेट की आसूदगी के साथ दुनिया खैर फिक्र से आज़ाद गत्ते के एक डब्बे से खेलने में मसरूफ था। उन्होंने अनूप को सामने बिठाकर एक एक बात की तफसील पूछी, खुसूसन पुलिस के नाकों पर ज़्यादा जोर था इनका। अनूप के मोबाइल पर इंटरनेट पैकेज ने भी इनकी खासी मदद की और हर तरफ की खबरें देखते हुए इन्हें अंदाज़ा हुआ कि इनकी तलाश पूरी शदोमत से जारी है। इस सूरत हाल में तो हमारा यहाँ से निकलना मुश्किल हो जाएगा, पुलिस किसी न किसी नाके पर हमें धर लेगी। सारी तफसीलात आने पर माज ने तशवीश का इजहार किया। तुम यहाँ भी बहुत देर तक छुप कर नहीं बैठ सकोगे, ये गरीबों की बस्ती है, आपस में दीवार से दीवार मिली हुई है, किसी से नहीं छुपेगा कि यहाँ कोई रह रहा है, इनाम के लालच में आसपास से कोई भी पुलिस को मुखबरी कर देगा। अनूप ने मुंह बनाते हुए इसकी बात में लुकमा दिया। इसकी तलखी अपनी जगह थी, लेकिन ये बात मानने वाली थी कि वो जो कह रहा है वही हकीकत है। तुम्हें इस मामले में फिक्रमंद होने की ज़रूरत नहीं, हम निकाल लेंगे अपने इस मसले का हल। जारो ने तुरश लहजे में इसे टपटा और फिर इसी रोब से बोला, अभी तो तुम दोनों दोस्त मिलकर हमारे लिए रात का खाना बनाओ, हम खाना खा ले तो इस मसले पर भी बात कर लेंगे। क्यों, मैं क्यों बनाऊँ तुम्हारे लिए खाना, मैं खत तुम्हारा नौकर हूँ। अनूप इसकी फरमाइश सुनकर अकड़ गया। नौकर नहीं, लेकिन इस वक्त हमारे कब्जे में तो हो, इसकी मौजूदगी में इनकार की जरूरत है तुम्हें। इसने अपना पिस्तौल अनूप के सामने लहराया। चलना यार, काहे को जिद बहस करता है, खाना तो अपने को अपने लिए भी तो पकाना है ना। अनूप से ज़्यादा हाशु घबरा के उसका बाजू पकड़कर खींचा। चल मैं तेरी हेल्प करता हूँ, इसने इशार करके अनूप को खड़ा होने पर मजबूर कर दिया। वो दोनों बाहर निकले तो जारुबिन के पीछे पीछे निकल गया। आप घबराइए मत सजर, इंशाल्लाह हम बहुत जल्द इस सारे मसाइल से निकल जाएंगे। इन लोगों के जाने के बाद कमरे में कुछ देर खामोशी तारी रही, फिर माज ने सर झुका बैठी सजल से कहा, मुझे आप पर एतमाद है, इसने नहायत तयक्कुन से जवाब दिया तो माज ने चौंक कर इसकी तरफ देखा। इसे सजल की आंखों का तासुर देखकर ऐसा लगा जैसे वो मुस्कुराई हो। मैं जानती हूँ कि आपने, मैंने या अद्दा साई ने कुछ गलत नहीं किया है, हम लोग बस हालात के चुंगल में फंस गए हैं और इसी चुंगल से एक न एक दिन अल्लाह साई हम सबको निकाल देगा। अब अपनी कही बात की वजाहत दे रही थी। इंशाअल्लाह, माज जवाबन इतना ही कह सका, फिर अपनी जगह से खड़े होते बोला, मैं बाहर जाकर इन लोगों के साथ बैठता हूँ, आप इतनी देर रिलैक्स कर लें, बल्कि ऐसा करें कि अंदर से कुंडी लगाकर थोड़ी देर के लिए लेट जाएं, बहुत देर हो गई है आपको यूं बेआरामी में। जी ठीक है, सजल ने इनकार नहीं किया। ये सच था कि वो बहुत थक गई थी, फिर भी खुद को मुस्तकिल चादर में लपेट कर मर्दों के दरमियान बैठे रहना भी खासा तकलीफ दे था। ऐसे में अगर इसे कुछ देर आराम का मौका मिल रहा था तो इसे तकल्लुफात पे पढ़कर ज़ाया कर देना मुनासिब नहीं था। मुअज़्ज़िज़ सामईन हज़रात, यह दास्तान अभी जारी है, बकिया वाक़ियात अगली किस्त में। देखते रहिए उर्दू दास्तान। अल्लाह हाफिज़।